भैया अपन जीत गए। सचमुच में याद बहुत है, बहने कह रही है भैया अपन जीत गए। और मेरी बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला, इतिहास में कभी नहीं मिला इतना वोट, कभी नहीं मिला। जब हम 173 सीटें जीते थे तब भी वोट था 42%, इस बार वोट है 48.5%। आपने चमत्कार कर दिया, मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और इस जीत में देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवापि युगे युगे। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अन्याय अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, अवतार लूंगा। आज मैं ये हृदय से कह रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सबकी अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो। लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हट गई, अब पत्थर बरसा भी बंद हो गई, आतंकवाद समाप्त हो गया। मेरी बहनों और भाइयों, जो लोग काम सोचते थे कि नहीं हो सकते, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। और एक तरफ हमको गर्व है, गौरव है, 2014 के पहले हमारे देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में नहीं थी। लोग भारत को इज्जत की नजरों से नहीं देखते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। और जहां देखो भारत माता की जय और मोदी मोदी की गूंज हो रही है। एक ही उदाहरण दूंगा, रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, बच्चे कैसे निकले, उनके माता पिता घबरा रहे थे, मध्य प्रदेश के भी बच्चे थे, मैं भी परेशान था। लेकिन मोदी जी ने फोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और सीधे एक ही बात कही कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध बंद हो जाए, सीधे और सुरक्षित हमारे बच्चे बाहर निकल आए। भारत के बच्चे तिरंगा लेके निकले, इधर रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी बंद कर दिया, और भारत माता की जय बोलते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर तिरंगा लेके निकल आए। अपने पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे भी निकल आए।
तब कौन ने सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये हो रहा है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारी असीम श्रद्धा है। उनके कारण ये विजय हुई है। ये जीत मेरी बहनों और भाइयों डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो काम किए, उन कामों की जीत है। विकास के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत, एक नहीं अनेकों काम, आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओं, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं आज छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सात उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं साथ खड़ा हूं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते। आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। सातवां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे, नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते सातों हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुरना के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका योगदान है। अभी बंडी बता रहे थे कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के कारण पूरे प्रदेश में जा ही नहीं पाए, आपने यही घेर दिया। अब देखो, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बुधनी से लड़ा तो मैं फार्म भर के मुझे जनता ने वहां से भगा दिया था, इधर बता जाना, केवल वोट डालने आना, घुस मत जाना इस क्षेत्र में। मैं सही बताऊं, मुझे बुधनी वालों ने घुसने नहीं दिया। और बुधनी वालों ने कहा कि एक वचन हम दे रहे हैं, क्या हम 1,00,000 वोट से ज्यादा वोट से तुम्हें जिताएंगे, तुम मध्य प्रदेश में सरकार बना के लेते आ। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी, वोट डालने गया बस। और भाई की जनता ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों से मुझे जिताया, लेकिन मैंने भी वादा निभाया। पूरे प्रदेश में 163 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ताओं के साथ मिलके डाल दी, लेकिन छिंदवाड़ा वालों आपने यही घेर दिया, दादाजी कहीं निकले नहीं। अब मामा तो घूम रहा था, दादा यही बस गए, रोज सवेरे शाम छिंदवाड़ा काये बोले छिंदवाड़ा है। और इसलिए आपने यहां उनको बांध दिया, तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ये छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया हूं। छिंदवाड़ा वालों, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करो। और हम सब मिलके, और हम सब मिलके छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे, विकास करेंगे। देखो, मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री छोड़ी हूं आपके लिए। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे भांजी तुम भी बोलो रे, अपन तो भैया और मामा है, काहे का मुख्यमंत्री। अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है, मैं कितना सौभाग्यशाली।
कितनी बहनों का भाई, कितनी बहनों का भाई, इतने भांजे भांजियों का मामा, इस पद से बड़ा इस पद से बड़ा मेरे लिए और कोई पद नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है, ये समझते हैं। और ये आज एक कमिटमेंट भी छिंदवाड़ा के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों और भांजे भांजियों से करता हूं कि जब तक सांस चलेगी मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा, मैं आपको छोड़ के आपकी सेवा में लगा रहूंगा, क्योंकि जनता ही अपनी भगवान है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए इस जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मेरे भांजे भांजियों, एक एक संकल्प पूरा किया जाएगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार हमको पूरा करना है। लाडली बहनाओ, 10 तारीख आने वाली है, और 1000 से 1250 बाद में कितने होंगे, एक एक चीज पूरी होगी, चिंता मत करना। एक एक वादा निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे, संकल्प पत्र में लिखी लिखे एक एक बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है, आप ये मानना। तो क्रमशः एक एक करके विकास के भी और जन कल्याण के भी हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी। लेकिन आज अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। बताऊं? अरे बताऊं क्या? देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे, जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गई थी। मेरे बहनों और भाइयों, जनता से भी कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं से भी आह्वान कर रहा हूं, इस बार छिंदवाड़ा का सबसे सुंदर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी को यहां से बोलिए तैयार है सब। देखो, अपन सब मिलकर जितने कार्यकर्ता और जनता यहां बैठी है, एक संकल्प
सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लाडली बहनों के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। मेरा जन्म अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। मिशन है मेरा, मिशन मिशन है मेरा। और इसलिए लखपति बहना मतलब हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, हर महीने 10,000 रुपया से ज्यादा उसकी आमदनी हो, साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा। बोलो होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, 1,00,000 से ज्यादा। और अपनी बहनों के साथ मिलके मैं करके रहूंगा, इसके बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये होगा, हो सकता है, क्योंकि 15,00,000 बहने हमने ऐसी बनाई जिनकी आमदनी 1,00,000 से ज्यादा, मरते वो 15,00,000 हो गई। 10,000 रुपये महीना से ज्यादा कमाने वाली महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव में, शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और तेजी से हम कोशिश करेंगे हर बहन को स्व सहायता समूह में लाके उनकी आमदनी अलग अलग काम धंधे करते हो बढ़ा के 1,00,000 रुपया से ज्यादा कर दी जाए। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, क्यों रहेंगे मजबूर, क्यों रहेंगे मजबूर। क्या मेरी बहने 1,000-2,000 रुपए के हाथ फैला दे घूमेगी, क्या मजबूरी की जिंदगी जिएगी? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएंगी हमारी बहनें। और वो स्वाभिमान आता है तब जब बहनें अपने पैरों पे खड़ी हो। मेरी आमदनी, जैसे लाडली बहना ने गौरव और आत्मसम्मान दिया, मेरा पैसा, मेरा खाता, मैं जैसा चाहूंगी खर्च करूंगी, तो घर में भी इज्जत बढ़ गई। सही बात है कि नहीं? पैसे से इज्जत तो बढ़ती है भैया, ये तो सच है। जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और इज्जत तीनों बढ़ेगी। और वैसे ही भांजे भांजियों, चिंता मत करना रे, मैंने कहा है अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे पढ़ाई की पूरी व्यवस्था तुम्हारा मामा करेगा, कोई गरीब बेटा बेटी। क्यों मजबूर रहे कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा, बन जाता, मैं बनाऊंगा, मैं चिंता मत करना, फीस का इंतजाम हम करेंगे, पढ़ते रहो। बाकी चीजें है, लैपटॉप से लेके स्कूटी तक वो तो चलेगी, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भरा के बड़े पदों पर पहुंचाने का काम, और एक परिवार एक रोजगार का अभियान चलेगा। और किसान भाइयों, 2,700 रुपया क्विंटल, अरे आई लव यू टू भांजे, यही तो अपना प्यार भरा जीवन है अपनी जनता के साथ, एक एक चीज पूरी करना है। तो ये सब चीजें हम करेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब मिलके आज संकल्प लो कि हम छिंदवाड़ा लोकसभा सातों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को भेंट करेंगे। बोलो सब तैयार हो? सातों विधानसभा में भाजपा को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो आओ आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर छिंदवाड़ा संकल्प लेगा, लोकसभा का चुनाव जीतने का, लोकसभा की छिंदवाड़ा विधानसभा सीट जीतने का, अपनी अपनी जगह हम सब खड़े होके आज ये संकल्प लेंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को सातों विधानसभा में जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के छिंदवाड़ा लोकसभा जिताने का संकल्प लीजिए।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की।